मोहब्बत की आगोश में थे और विरह वेदनाएं, हम दोनों मोहब्बत की जज्बात में चलते हैं, हम दोनों मोहब्बत की जज्बात में जलते हैं, वो बर्फ पे चलते हैं, हम आग में जलते हैं। तेरी याद के सहारे जीता पाया
राह में हूँ जितनी उतने ही तुम उदास हो। हमें महसूस है मेरे प्रियतम तुम हमेशा भले ही मेरे आसपास हो। विरह की अगन में जल के हमसे भी ज्यादा उदास हो। वो मोहब्बत थी नहीं जहाँ पास होने का एहसास नहीं। हमें तो कभी लगा ही नहीं कि सांवरा हमारे पास नहीं। नीले गगन के नीचे नीले गगन के नीचे क्या करेंगे। भागवत कथा का श्रवण करने के लिए सुंदर और पवित्र पात्र की जरूरत है। पात्रता नहीं है तो ज्ञान की बात क्या करें। ज्ञान चार प्रकार के होते हैं, प्रोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, वैखरी और परावैखरी। इसे साधना के रूप में मांगा जाए तो प्रोच का मतलब वो है जो दिखाई पड़ता है। ये वस्तु उठा के यहां रख दिया यानी उससे आपको ज्ञान मिल गया, ये प्रोक्ष है। अप्रोक्ष है जो दिखाई नहीं पड़ा और सब कुछ कह दिया, आभास हो गया। वैखरी ज्ञान वो है जो गुरुजनों से, गुरुकुल से, परिवार से, सबसे सीखने को मिलता। और परावैखरी ज्ञान वो है जो प्रकृति से मिलता है। कई बार आप लोगों ने अपने आप में देखा बेगानापन, एक अकेली मस्ती, किसी से लेना देना नहीं, अकेले बैठे हैं और खुद से बात करते हैं। होता है ना ऐसा कभी कभी, काश ये मस्ती हमेशा के लिए आ जाए। हम लिप्त हो चुके हैं रूप और स्वरूप में। हम किसी जगह किसी के रूप को ढूंढते हैं, किसी के स्वरूप से रूप का कंपैरिजन करते हैं। हम किसी के गुणों को देखते हैं तो किसी के दोष को निहारने की चेष्टा करते हैं। काश ऐसी स्थिति हो जाए कि स्वयं के अंदर निहारने की आदत बन जाए तो इंसान भव पार हो जाए। मैंने इस भारत में लोगों को एक जगह बड़े प्यार से साथ देते देखा है, कांधा लगाने में। जब आदमी का पार्थिव पूरा हो जाए तो कांधा लगाने में सब साथ खड़े होते हैं। लेकिन आज मैं भाव करूंगा हे परमात्मा, जिस तरीके से लोग व्यक्ति की अंतिम विदाई के लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से
दुखों में माँ बाप भाई बंद के साथ खड़े हो जाएं तो मेरी भागवत सफल हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा में आपने कल सुना ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा। आज हम आपको श्रवण कराएंगे गोकर्ण उपाख्यान। माताएं अवश्य सुने, बुजुर्ग ध्यान से सुने और युवा वर्ग के लिए एक नया शिक्षा। सनातन की रीति की प्रक्रिया से थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। सुबह से हम आप लोगों की सेवा में थे, आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर, क्योंकि मेरा उद्देश्य है नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा। ऐसी कल्पनाएं क्यों आती हैं मालूम है आपको? किसी को शराब पीने में मस्ती आती है, आनंद आता है, किसी को दूसरे की चुगलखोरी में मजा आता है। जिसको जिस राह से मिलता है उसको उसी राह से मजा आता है। काफी लोग मुझसे कहते हैं स्वामी जी आपकी अवस्था अभी 42-43 की है, आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लोग धनार्जन करते हैं, लोग पैसे वालों को गले लगाते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से क्यों रहते हो? ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि भोजन की थाली सामने है तो भोजन का स्मरण नहीं है, लेकिन सामने अगर कोई बीमार है तो उसको एक्सरसाइज, नहलाने खिलाने की याद जरूर मुझे रहती है। क्यों? क्योंकि भाई इस जिंदगी में, ये ब्रह्मांड पूरी की जिंदगी किसी की देन है। मुझे भी ऐसे लोगों ने उठाया है, आकाश अगर वो मुझे नहीं मिले होते तो आज हम नहीं होते। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा अवसर था, संशय आत्मना विनाशयति। आप कल्पना करो कैसे लोग ऊंची अट्टालिकाओं से कूदकर अपना प्राण दे देते हैं, उनकी दशा तो देखो कैसे होते होंगे वो लोग, कितना ढाढ़स आता होगा कि जलती हुई आग के हवाले स्वयं को कर देते हैं। सब कुछ होते हुए बाहर निकल जाते हैं। अरे मेरे भाई, इसको जानने के लिए सिर्फ एक लाइन काफी है। आपको दुखी होने के लिए कारण की आवश्यकता है, लेकिन प्रसन्न रहने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है? हम बचपन से ही इस राह में लगे रहे, ठोकर खाई, बहुत बुरे वक्त देखे, लेकिन रोज सुबह उठकर परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा मेरा विवेक कभी शून्य मत होने देना। और हजार बार लूट जाए ये जमाना मुझे कोई गम नहीं, हजार बार उठ जाए ये जमाना मुझे कोई गम नहीं, प्रियतम से अगर दूरी बने तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई गम नहीं, मिट जाऊंगा। कबूल है मुझे दुनिया की बातों से नहीं डरना, परे खुदा, ऐ मेरे प्रियतम गोविंद बिहारी, कभी ऐसा काम मत करवा देना मैं खुद की नजर से गिर जाऊं, ये भाव को लेकर जीना चाहिए। दुनिया की नजरों में आप बार बार उठ सकते हो, लेकिन एक बार स्वयं की नजरों से गिर गए फिर क्या होगा? कहने का मतलब है कि ये जिंदगी किसी की देन है, नहीं तो हमारे जैसे महात्मा स्टेशन के किनारे गांजा पीते मिलते हैं। कोई आंकड़ा लगाता है, कोई सट्टा खेलता है, और शेखावत जी मैंने तो जब इस राह को पकड़ा है ना,
मैं 12वीं पास हुआ था और संबंध हर तरीके के लोगों से रहा, प्रोड्यूसर से, एक्टर से, फिल्म सिटी से, सब। पर मैं सब में रहा लेकिन किसी का स्पर्श होने नहीं दिया। ये क्वालिटी मेरी माँ की देन थी। मैंने मेरी माँ से बहुत कुछ सीखा है। आज एक बच्चा आया, बोला स्वामी जी आप बहुत अच्छा गाते हो। मैंने बोला भाई मैं तो पहले जोर से बोल दूँ ना तो भैंसा भाग जाता था, इतनी बेकार ना। मैंने संगीत सीखा है, ना मैंने गीत सीखा है, ना मेरा कोई गुरु है संगीत का। लेकिन वाह रे माँ भगवती, कुछ भी करवा ले। भाव कैसा हुआ, जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं ना तो श्री हरि सब कुछ देते हैं। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी भी कुछ देती है, है? क्यों राजेश जी, आपका अनुभव होगा कि पिताजी कितना भी धन दे दें लेकिन बेटा जब जाने लगता है ना तो माँ चुपके से कोने में बुलाती है अपने बच्चे को और चुपके से कुछ ना कुछ द्रव्य देती है उसको, है? कहती है अरे बेटा तेरे बाप के धन को कैसे गंवा देना, कोई परवाह नहीं मेरे लाल। कैसे भी लुटा देना तेरे बाप के धन को, लेकिन इस धन का इस्तेमाल तो मेरे पास आने के लिए कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ तेरा रास्ता देखती रह जाऊं और तेरे पास आने के लिए मार्ग का खर्चा ही ना हो। ऐसे ही जब ये जीवात्मा आती है तो माँ लक्ष्मी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा उस जीवात्मा को पास में बुलाती है, कहती जा कलयुग में प्रारब्ध के अनुसार भोग और भाग्य को भोग लेना, लेकिन जब तेरा सब कुछ लुट जाए, सब कुछ गमा बैठे तो ये श्रद्धा रूपी धन ले जाना थोड़ा सा। माता पिता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, कर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, समाज के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, जिसका हम अपना बनाए उसके प्रति समर्पण। माँ लक्ष्मी कहती है जा ये श्रद्धा रूपी धन ले जा, जब तेरा सब लुट जाएगा इस श्रद्धा रूपी धन से सत्संग में चले जाना, सत्संग अमृत पीकर तू मेरे पास आएगा, फिर तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं अजन्मा कर दूंगा, अजन्मा कर दूंगा। समय को देखते हुए आयोजक महोदय आरती उतारे, कथा का शुभारंभ करा जाएगा। ये भूमिकाएं इसलिए होती हैं कि कुछ श्रोता आवाज सुनने के बाद आते हैं तो उनकी तारतम्यता खत्म ना हो, कथा का पूर्ण आनंद लें। चंद पर हरि नाम संकीर्तन करते हुए आप लोग खड़े हो जाएं सारे लोग और आरती उतारेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, दीप चंदी गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
Bye-bye.